गाजीपुर में एक दिन पूर्व ट्रिपल मर्डर हुआ और इस मर्डर को जानने के बाद हर कोई उत्सुक था कि आखिर इस तरह के विभत्स घटना को अंजाम किसने दिया। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, यहां तक कि डीआईजी और एडीजी वाराणसी भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू किया। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, क्योंकि इस मामले में हत्यारा कोई और नहीं था बल्कि उस परिवार का इकलौता बचा हुआ सदस्य यानी कि मृतक के बेटे ही रहा। आज पुलिस ने इस बात का खुलासा करते हुए छोटा बेटा जो पड़ोस के एक लड़की के इश्क में पागल था और उससे शादी करना चाह रहा था, हालांकि दोनों की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण नाबालिग थे, इसलिए माता पिता और भाई इस शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में इश्क में पागल युवक ने अपने ही माता पिता और भाई की इस कदर निर्मम हत्या कर दी कि जिसे सुनने और जानने के बाद हर किसी का खून खौल उठ रहा है। आइए सुनते हैं इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने क्या बताया। ऐसे ही तीनों शवों का दाह संस्कार हुआ और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। उसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था लगभग 1.5-2 महीने से। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फोन तोड़ दिया क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहां लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे, तो नियमानुसार भी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बात से ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं था। अपने माता पिता जब इसे डांटते थे या भाई ने भी डांटा बड़े भाई ने, क्योंकि बड़े भाई की तो उम्र 22 साल थी, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इन्हीं चीजों से कुपित होकर इसके द्वारा 8 तारीख में सुबह सूचना से लगभग 1.5 घंटे पहले इसके द्वारा उनकी हत्या की गई। हालांकि इसने प्लॉट बहुत अच्छा बनाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए उसी दिन 7:45 की रात्रि में उसी गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। ये मृतक, उसका बड़ा लड़का और ये खुद आरोपी जो है, ये तीनों लोग उसे देखने गए। 11 बजे के करीब ये वापिस आए और ये सो गए। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि इसके द्वारा 2-3 दिन पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस दिन इसे डर लगा और इसके साहस ने काम नहीं किया। तो 7:45 की रात में इसके घर में कोई एक शराब की कुछ बोतल लगती थी, उसका सेवन किया इसने और इसे फिर इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी विभत्स घटना है और रिश्तों को भी कलंकित करती हुई घटना प्रतीत हो रही है कि अपने स्वार्थ के कारण एक व्यक्ति द्वारा अपने पूरे परिवार का ही समूल नाश कर दिया, अपने माता पिता और भाई की हत्या कर दी है। इसके द्वारा जो गांव में खेती बाड़ी में जो खुरपा यूज होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसने बताया कि उसकी भी धार इसने बनवाई थी 2-3 दिन पहले, मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा था और ये सारी जो इसके दिमाग में श्रृंखला चल रही थी ये निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग के कारण ही ये संभवतः इस तरह के विचार, इसके सारे नकारात्मक विचार इसके दिमाग में आ रहे थे जिसके कारण इसके द्वारा ये परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा था। हालांकि इसके जो प्रेमिका थी उसका परिवार कुछ हद तक सहमत था,
और वो ये कह रहे थे कि शादी नहीं की तो मार देंगे, जो इसने बताया।